तेरे करीब जो होने लगा हूँ तो फिर दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं सोकर उठ चुका हूँ और सुबह का बजा है 8। आई होप आप लोगों का भी दिन अच्छा गुजरे। और ब्लॉग का शुरुआत मैं करूँगा भोलेनाथ के नाम से। आज का ब्लॉग करते हैं भयंकर, बोलो जय शिव शंकर। और तो फिर मैंने सोचा है कि पूरी रात लाइट नहीं आया, परेशान रहा, सो नहीं पाया मैं, तो फिर मैं जा रहा हूँ रोड पे। सोचा है थोड़ा गोलगप्पे खाते हैं इस समय, तो मैंने भी खाना नहीं बनाया है, क्योंकि 9 बजा है तो अभी खाना नहीं मैंने बनाया है, 10 बजे तक खाना बन जाएगा। तो चलते हैं रोड पे, गोलगप्पे खाते हैं। अगर आप लोगों को खाने हैं तो आइए, मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आप लोगों को भी खिलाते हैं गोलगप्पे। आ चुके हैं बताशे वाली दुकान पर और आप यहाँ खाते हैं बताशे। अगर आप लोगों को खाना है तो आइए, मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आप लोगों को भी खिलाते हैं बताशे। खाने के बाद फिर निकलते हैं घर, तो केला लगाए हैं, आई वो मज़ा आएगा बताशे का, तो मिलते हैं घर पर। जैसा कि मैंने बोला था, घर आके आपसे मिलते हैं। और जब मैं घर आया तो मुझे देखने को क्या मिला, ये भैया आए थे हमारे पास हमसे रुपया लेने। देख लो, गरीबी छाई है भैया, हाथ देखो टूटा पड़ा है, फिर भी हमसे रुपया ले रहे हैं। कोई बात नहीं, इनको रुपया दिया जाएगा। पकड़ो जरा इसको, इसको पकड़ो ना। नहीं क्या ऑनलाइन बेइज्जती मार रहा है क्या? रुपया दे रहा तुमको, देख लो ये नोटे गिन रहा है, हमारी दी हुई नोटे ये लिए जा रहा है हमसे। कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरी आ जाएगी। आपको चाहिए तो आइए, आपको भी देते हैं। लाइक करो वीडियो को, आपको भी मिलेंगी ऐसी कड़कड़ी कड़कड़ी नोटे। तो मिलते हैं, फटी हुई है, कड़कड़ी बोल रहा है रामी। एक 10 की नोट फटी है, 100 की फटी हो तो बताओ। ये देखो 100 की फटी है, 100 की दिखाओ। 100 की तो सही है, साबुत है, है? बगलोली कर रहा है ये, बगलोली बगलोल है ये। तो फिर मिलते हैं एक्सरसाइज कराने के बाद। फिर मैं सोकर उठ चुका हूँ, मैंने बोला था, और जब सचिन चला गया था तो उसके बाद मैं सोने चला गया था, क्योंकि मैं रात से सोया नहीं था। अब सोने के बाद भूख लगा है और नहा धो लेते हैं। नहा धोने के बाद खाना ना खाते हैं, देखते हैं खाने में क्या बना है, पहले नहाते हैं सबसे पहले, ठीक है भाई। तो फिर दोस्तों, नहा मैं चुका हूँ। नहाने के बाद मैंने कपड़े वपड़े पहन लिए हैं और अब मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तो दिखाता हूँ खाने में क्या बना है। खाने में है चपाती, चावल और दाल की पकौड़ी, आलू दाल की पकौड़ी और आलू वाली जो सब्ज़ी होती है वो सब्ज़ी है, जिस किसी को खानी है घर पे है उसको भी खिलाते हैं। तो फिर मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो फिर खाना ना खाने के बाद अब टाइम हो गया ट्यूशन पढ़ाने का, 4:18 हो गया, 18 मिनट में लेट हो गया हूँ। तो चलते हैं अथर्व मिश्रा के यहाँ और देखते हैं अथर्व मिश्रा क्या कर रहे होंगे, वहाँ मिलते हैं आपसे। तो फिर देख सकते हो अथर्व के यहाँ आए थे और अथर्व ने ट्यूशन पढ़ लिया है और इनके पापा आज नए कलर लाए हैं, तो काफ़ी खुश हैं ये कलर को लेकर। तो फिर चलते हैं युवान के यहाँ, युवान को पढ़ाते हैं, चल के देखते हैं वो है या नहीं। तो फिर मैं घर आ गया था और घर आके मुझे वहाँ गया था, मैं यूवी के यहाँ, मैंने बोला था यूवी के यहाँ मिलता हूँ, तो यूवी घर पर था नहीं, तो उसने ट्यूशन नहीं पढ़ा आज। तो मैं घर आ गया था और अब मेरा मन हो रहा है कि आज मैं कोल्ड कॉफ़ी पीऊँ, आज बहुत गर्मी था, कल पूरी रात नहीं सो पाया। तो कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए जो चौको सिरप होता है वो लेते हैं जाके, और पिसा वाला जो पाउडर होता है, दूध वाला मिल्क पाउडर, तो वो लेते हैं चल के। और चलते हैं दुकान पे, रोड पे मिलता है तो दिखाते। तो फिर इस दुकान पर भी हमें मिल्क पाउडर नहीं मिला, तो चलते हैं अगली दुकान पर, देखते हैं वहाँ मिल्क पाउडर मिलता है या नहीं मिलता है। बने रहे वीडियो पर, अपडेट देते हैं आपको। फाइनली इस शॉप पर मिल गया है, तो चलते हैं आगे। तो फिर आ गया हूँ मैं शैलेश पांडे की दुकान पर, देख सकते हो ये पीछे खड़े हैं हमारे, ये खड़े हमारे पांडे जी। देखो पांडे जी की कितनी अच्छी सी है, अभी हमको देंगे चोको बॉर सीरप, चोको बॉर सीरप निकाल। देखो हंसे जा रहे हैं फालतू में, पांडे जी हंस रहे हैं, पता नहीं क्या फायदा है, मैं क्या फायदा, अब तो तुम्हारे हाथों में पांडे जी को वायरल कर दूंगा मैं, मुझे इसी बात का फायदा है भाई, लोग वायरल करो पांडे को। तो फिर कॉफ़ी लेते हैं यहाँ से, फिर घर पे मिलते हैं आप लोगों से। तो फिर अब घर आ गए हैं, घर आने के बाद मन हो रहा है कि कोल्ड कॉफ़ी बनाया जाए, तो 8 बज रहा है करीब, 8:15 हो गया टाइमिंग, तो कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं। और कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए चीनी, चीनी दिखाते हैं क्या क्या लगता है। तो ये चीनी ले ली गई है और इसमें भैया थोड़ा पानी डालिएगा, इसमें पानी डाला जा रहा है, डाल दो थोड़ा, बस
फिर अब इसमें डाला जा रहा है कॉफ़ी, संभाल के डालो बाहर ना उड़े बेटा। और ये 3 कॉफ़ी के पाउडर डाले हैं 2 रुपए वाले, इनसे बनानी है मुझे करीब 6 ग्लास बनानी है कॉफ़ी, तो देखते हैं कितनी ग्लास बन पाती हैं। और इसको थोड़ी डिम फ्लेम में, हल्की फ्लेम में, कहो तो धीमी आँच में इसको जाके पका के लाओ। और पका के आते हैं फिर उसके बाद आगे की कार्यक्रम आपको बताते हैं क्या करना है। तो फिर इसमें सबसे पहले डाली गई है आइस, और अब इसमें डाला जाएगा मिल्क। डालो भाई, डाला गया है दूध, और दूध जमाने की प्रयास किया गया था पर जमा नहीं है उतना संपूर्ण। जितना जम जाएगा दूध उतनी अच्छी बात रहेगी आप लोगों के लिए, कॉफ़ी उतना ही अच्छा और गाढ़ा बनेगा दूध जमा होने के कारण। थोड़ा सा प्रयास करा था, थोड़ा बहुत जमा है देख सकते हो, ज़्यादा दूध नहीं जमा है। तो फिर अब इसमें डालना है मिल्क पाउडर, आदमी। तो अब प्रोसेसिंग चालू है शेक का। अगर आपके पास मिक्सी है तो मिक्सी में आप इसको मिक्स कर सकते हैं, या फिर शेकर से शेक करके कोल्ड कॉफी तैयार कर सकते हैं। फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पर हमने यूज़ किया है चॉकलेट का, देख सकते हो, ताकि इसमें जब कोल्ड कॉफ़ी हम लोग सर्व करेंगे तो इसका डिज़ाइन एकदम खिल जाएगा, जैसा कि आप देखिएगा अभी। तो देख सकते हो ये हमारी कोल्ड कॉफ़ी सर्व की जा रही है। तो कॉफ़ी का फाइनल लुक आ चुका है, निकल चुका है, देख सकते हो कोल्ड कॉफ़ी का झाग भी तैयार हुई है, क्योंकि ये शेकर से बनाई गई है कॉफ़ी। तो चलते हैं मम्मी को टेस्ट कराते हैं चल के, पहले तो दीदी को, तो फिर अब टेस्ट कराते हैं अपने भांजे श्री को, जो काफ़ी मेहनत करते हैं कॉफ़ी बनाने में, हेल्प भी करते हैं, तो उनको टेस्ट कराते हैं कॉफ़ी। तो फिर कॉफ़ी टेस्ट करता है, तो बताओ। तो ठीक है, काफ़ी टेस्टी बनी है और इसमें मेहनत भी कुछ ज्यादा लगी है। आप भी बना के पिए, गर्मी को, गर्मी का मौसम चल रहा है, बना के पिए। हमारी कॉफी टेस्ट करेंगी, करिएगा टेस्ट, पीजिएगा। कॉफी मस्त बनी है, बड़ी टेस्टी बनी है। तो ये हमारे पहाड़ वाले बाबा आ चुके हैं, उन्होंने बाल कटाए थे, और ये हमारे ये हमारे भाई लोग, ये दूसरे हैं बगलोल आदमी, बगलोल आदमी तेल लगा के आ गए हैं बालों में ढेर सारा सा। तो बनाते हैं घर पे टेस्ट करने के लिए कॉफ़ी, खुद बनाया है मैंने। मैंने कहा क्या पता अगर खराब बनी हो तो मैं नहीं पीऊँगा, उसमें सुधार कर लूँगा। हम लाए कॉफ़ी, हम ले आए बनाई वगैरह, गंदा जानती है कौन लेके आया, क्योंकि वीडियो भी पड़ी है ना स्टार्टिंग में दुकान पे, कौन गया था लेने। आज जो अभी दूध पैकेट हम लेके आए, हाँ वो वीडियो देखिएगा ना जनता, वो दूध कौन लेके आया था। चलिए जी पीजिएगा, दूध तुम लेके आया फट गया था। और लो टेस्ट, नहीं नहीं टेस्ट लो, पूरा जिप लो एक, सच बताइएगा ये होटल जैसी क्या बनी है कोल्ड कॉफी? बिल्कुल कुमार रेस्टोरेंट की तरह। चलिए अच्छी बात है। तो दूसरे भाई हमारे हैं, ये कोल्ड कॉफी पीने जा रहे हैं, शादी में या पहले ही लड़का हुए। तो आप बताइएगा सचिन भाई, आपको कैसी लगी ये कोल्ड कॉफी? रेस्टोरेंट वाली, रेस्टोरेंट वाली खा ले फिर बताते हैं और ज्यादा। हां इससे कॉफी काफी टेस्टी बनी है, और इस समय गर्मी का सीजन चल रहा है तो आप लोग भी कॉफी पी लीजिएगा, काफी अच्छा बना है, काफी मजा आया इसको पीकर।
तो फिर दोस्तों ऐसा ही मेरा दिन रहा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, संभव हो सके तो शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय।